अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज नैनो फ्रॉम पाकगेमर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं बाबर शेख, उमरान एंड गम्बी फ्रॉम चांद तारा ऑर्केस्ट्रा। अच्छा, पटारी ने ना आप लोगों को बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया है कि एक बैंड है जो कि सुपरस्टार से भरा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट, इवन दो वी डोंट रियली थिंक इट फिट्स। लेकिन देखो तो जस्ट अ बंच ऑफ ड्यूड्स डूइंग अ बंच ऑफ म्यूजिक, राइट? लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, राइट? ऐसा यूजुअली होता नहीं है कि इतने, आई वुड से इन माय ओपिनियन, बड़े सुपरस्टार। मुझे असल में जनरली जब भी मैंने हमने सुना है कि कोई सुपर ग्रुप आया, आई हैव नेवर रियली लाइक दैट सुपर ग्रुप दैट मच, तो उस एस्पेक्ट से आई एम नॉट रियली इनटू कॉलिंग आवरसेल्फ्स सम सॉर्ट ऑफ अ, कि बहुत सारे अलग अलग मशहूर लोग जमा होके एक बैंड बना रहे हैं, क्योंकि दोज टेंड टू बी हॉरिबल इन माई ओपिनियन। तो हम, आई मीन, अच्छा, हमारे साथ तो उल्टा सीन हुआ ना, बिकॉज बैक इन द डे उमरान सॉ अस लाइक दैट वॉज द फर्स्ट इनकारनेशन ऑफ चांद तारा ऑर्केस्ट्रा, एंड इट वॉज कम्प्लीट। उस इनकारनेशन में से अब सिर्फ मैं ही हूँ आपके सामने। उमरान ने मुझे देखा, कहीं हमें बजाते हुए देखा। इनफैक्ट वी वर डूइंग स्पेशल शो फॉर वाइस मैगजीन एंड दिस वेब पोर्टल, यू माइट नो, दे आर प्रिटी बिग नाउ। वाइस मैगजीन तो इट्स ह्यूज नाउ, तो वही आई एम ट्राइंग टू बी हम्बल अबाउट। तो वाइस के लिए हम लोग कर रहे थे, वाइस हैड ऑर्गेनाइज्ड अ शो इन कराची एंड इट वाज टेकिंग प्लेस एट मैड एकेडमी का, मैड स्कूल। तो वो वहां पे उमरान ने देखा एंड ही सेड, डूड दिस इज ग्रेट, लेट्स लेट मी नो एंड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस लॉन्ग टाइम अगो। एंड द सेम थिंग, आई विल फास्ट फॉरवर्ड, एंड द सेम थिंग हैपेंड विद गम्बी आल्सो, बिकॉज इन फैक्ट लास्ट ईयर गम्बी हैड अ फ्रेंड ऑफ हिज ओवर फ्रॉम नॉर्वे हु इज अ म्यूजिशियन। तो उनसे बात चल रही थी, गम्बी ने मुझे कहा कि यार आओ स्टेज पे कुछ इम्प्रोव म्यूजिक करेंगे PACC में। तो वो इम्प्रोव म्यूजिक किया एंड आई फेल्ट दैट इन मेनी प्लेसेस दिस कुड बी द फॉर्मूला ऑफ टेकिंग चांद तारा फॉरवर्ड, बिकॉज यू नो एक्चुअली मसला ये कि यार बड़ा म्यूजिकली ना हम लोग बड़े केज्ड लोग हैं, इन्फ्लुएंसेस के हवाले से भी, और एक खुलापन जो इम्प्रोव म्यूजिक में आता है ना, वो बहुत बहुत रेयर एक चीज़ है। And when you can feed off each other's musical magic on stage and you can give something like a musical compliment in return, that is what fuels the whole thing about experimental, yeah, contemporary jamming music. That's the fun thing with Chanta, definitely. You know, we kind of improvise. The whole point of it is that we kind of keep it open-ended and atmospheric and kind of, like, when you get into the studio, then we try and play. The hard part is to kind of tie it down to like a single idea that can be radio friendly, made into a song. Like, I think our live performances tend to be that freestyle, free form kind of thing. Live performances when you actually kind of really get to see the Chand Tara thing happen. ठीक, अच्छा, तो ये जो मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल बाबर की है, यू केम फ्रॉम डस्क मेटल, हैवी मेटल। अच्छा, अब ये जो साउंड है, ये एक हमारे किसी कमेंटेटर ने लिखा था कि काफ़ी सूफी पिंक फ्लॉइडिश साउंड है, तो ये सब किस तरह से अपना मेन जॉनरा छोड़ के इस तरफ आए? अच्छा, जहाँ तक मेरा, आपने मुझसे अगर वो किया तो मेरा जहाँ तक ताल्लुक है, यार मैं बिल्कुल बचपन से रियली इनटू रॉक एंड रोल एंड द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रॉक एंड रोल, व्हिच इज हैवी मेटल एंड डेथ मेटल एंड ग्राइंड कोर। मैं अभी भी वो म्यूजिक सुनता हूँ। इनफैक्ट आई एम स्टिल ट्राइंग टू टॉक गम्बी इन टू रिकॉर्डिंग द न्यू डस्क विद मी, बट वो अभी भी मैं कहीं ना कहीं जद्दोजहद चल रही है। न्यूज़ टू गम्बी, गम्बी इज लाइक व्हाट, ये कब हुआ? बट It's a good place, right? अभी नहीं, यार करोगे कि नहीं? अच्छा, लेकिन चक्कर ये कि यार, from a very early age, I've also been into and I've been very blessed by having friends, musical friends, and since मैं यार art school में पढ़ा हुआ हूँ, तो I think one thing that
academia in terms of performing arts does na, wo aapko khol deti hai dimaghi taur pe. To main us waqt se Sai Mushtaq Hussain jo ki ek chimta player hai Shekhupura ke, unko main bachpan se sunta aaya hu yaar. Aur jo hai wo Allan Fakir aur Pathan Khan, ye bada matlab hai ki mujhe intrinsically mujhe bada pasand hai ye ye ek aur mera wo, and a lot of people are very surprised ke yaar Black Sabbath se Allan Fakir tak sari cheeze kis tarah, you know. To mujhe ab phir main world music ye Peter Gabriel ka jo label hai Real World, maine uski bahut sari compilations kharidi hui thi, to I had a flair for this world musicish sound. And तो मेरा ख्याल है कि मेरा तो यही है कि मैं genre breaking में believe करता हूँ majorly. There's so much good music out there कि why would just, I mean, एक अपनी एक personal preference होती है, but apart from the personal preference, there's so much good music out there. Why would you limit yourself to just one thing? तो as long as you kind of take interesting music on and if you feel like, you know, making something similar, I think where we connected was कि I really enjoy like the post rock kind of ambient thing, and I kind of post rock basically sky type stuff. That's something that I think all three of us are kind of into, that into the instrumental bands like that. And then there's a whole movement actually that is kind of similar. So as long as you take, you know, interesting music that you like, whether it's in your genre or not, you kind of, you know, there's only so much good music out there. Why would you limit yourself just to one thing? I assume this is the same for Gumby. Okay, especially because Gumby or Omran, you guys both. Gumby ki tabiyat kharab hai, to wo uske paseene chhoot rahe hain. Nahi, mera uske mera jo music ki jo taste hai, yeah, nahi, the taste actually depends on my mood. Every day I'm listening to different. I mean, it started with rock and roll, I'm assuming, and then it started with pop music actually. Acha, full on terrible pop music. Tarzan Boy or us tarah ke One Night. But that's every, when you're a kid, obviously you're not like Tarzan Boy ka Salim Javed ne version kiya tha yaar. Salim Javed ne Urdu version kiya tha Tarzan Boy ka. Tarzan, I didn't go that pop. So ye basically journey Tarzan se shuru hui aur ab खाक मशीन तक आ चुकी है. खाक मशीन तक आ, हाँ, बेसिकली ये खाक में मिल गई सारी चीज़ सारी. तो अच्छा, हमारी कम्युनिटी ने काफ़ी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किए थे, तो मैं अब थोड़ा सा उनकी तरफ आता हूँ, क्योंकि अच्छे खासा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और ऊपर से जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से मतलब वीविंग इन एंड आउट ऑफ मल्टीपल टॉपिक्स हैं. अच्छा, मैं उसी तरीके से पूछूंगा जिस तरह लिखे हुए, मैं कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहा. Why did you release your music video entirely on Patari Facebook page, where it's lost somewhere down the history? Is it hard to release the video on TV channels? If so, why would anyone even make videos, which is both expensive and hard work? For example, why did you guys even make the video when clearly you put a lot of money and effort into it? Clearly, you are not getting any returns just yet. Was it just for your artistic satisfaction, comma artistic khujli? Do you want me to answer that? Yeah. अच्छा, मैं आपको इसका जवाब इस तरह दूँ. सबसे पहले तो ये है, being a filmmaker, I hate to break it to the world that music videos are officially something that are becoming very obscure now. सही है. बहुत सारे लोग off the bat ये बात से कहेंगे, नहीं यार तुम क्या बात कर रहे हो. लेकिन मसला ये सर, आपको बिलीव करना पड़ेगी ये बात कि टीवी का फॉर्मेट जो है, स्पेशली इन पाकिस्तान, इवन अब्रॉड, दैट इज चेंज नाउ. ठीक है, टेलीविजन सेट्स के ऊपर बैठ के चैनल्स पे एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक वीडियो देखना इज समथिंग वेरी ऑब्स्क्योर, जो कि बहुत सारे लोग नहीं करते. स्पेशली पाकिस्तान में तो सोप ऑपरा और ये टर्किश, उर्दू में डब हुए टर्किश ड्रामे और टॉक शोज, और चार लोग चार विंडोज पे पॉलिटिशियंस, एक दूसरे आठ विंडोज होते हैं, छह से आठ पॉलिटिशियंस चीख रहे होते हैं, वो सब चीख रहे हैं, यही देखते हैं हम लोग. ठीक है, कल रात को मैंने पोस्ट मिडनाइट आई डिसाइडेड कि यार एक आम, अच्छा सा एक चौसा आम लेके जो है वो उसको काट के खाया जाए और टीवी में लगाओ.
and there was absolutely ridiculousness on TV. There's nothing. So and या फिर किसी music channel पे आप जाएंगे भी तो उस पर वही चल रहा है, एक अजीब इंडियन म्यूजिक के वीडियोस चल रहे होते हैं जो कि फिल्म से एक्सर्प्ट हुए होते हैं सारे के सारे, और ट्रेलर होते हैं मूवी के ट्रेलर, मूवी के ट्रेलर होते हैं, वीडियो भी नहीं होते वो, अच्छा ट्रेलर होते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि पटारी हम लोग इस पॉइंट पे हैं, चांद तारा तो हम लोग यार वी आर प्रिटी pretty laid back when it comes to promotions and things like this. Matlab hai ki hamara there are several questions I think in regards maybe the about the marketing and promoting the band, lekin hum we are kind of easy just for the most part because hum you know this is something that we are doing out of a passion. I mean obviously we want lots of people to hear it, we want but iska ye nahi matlab ki hum अपने फेसबुक पोस्ट को बूस्ट करेंगे पैसे लगाएंगे या हम यूट्यूब पे अपने उनको पैसे देंगे कि आप हमारा वीडियो नंबर वन पे लाएं सो वी कैन यू नो पीपल कैन सी इट. सो दैट्स नॉट द केस, देयर इज मेनी वेज एंड आई थिंक अब दिस वाज मे बी ट्रू 10 इयर्स अगो जब व्हेन इट फर्स्ट स्टार्टेड वेयर बीइंग वायरल वाज समथिंग दैट यू काइंड ऑफ ट्राइड टू गेट. द थिंग इज नाउ ऑल द वायरल स्टफ इज corporate backed and corporate sponsored and basically fake. So everything that goes viral nowadays is fake, bought by numbers and generally can't be trusted to be the real deal anyways. ठीक, लेकिन wouldn't you say that for example at least जो bare minimum था, अच्छा ये this is me as a fan saying this, जो bare minimum था even वो हम लोगों ने देखा कि शायद नहीं हुआ. Especially for Khak Nashin. Or especially... देखें, एक तो Khak Nashin is a 6-7 minute... 8.5 minutes. Sorry, 8.5 minute long song. तो हम दे तो दें, टीवी चैनल पे वो चलाएंगे नहीं. एक तो कोई उसमें कोई नाच नहीं रहा. दूसरी बात, 8 मिनट के उनका उनको फिलर चाहिए होता है ज्यादातर. वो कोई औरत ही नाची होती है यूजली तो, लेकिन वो भी नहीं है. And then there's no glamour in it. There's no sportsman in it. We are not even in it. So there's literally nothing that. And I'm not saying that कोई TV channel चलाएगा नहीं. लेकिन जो चलाने वाले हैं भी उनका भी कोई खास interest इस किस्म की चीज़ में नहीं होता. और कोई जगह भी नहीं है जहाँ पे. Also, I don't think Pakistan is really ready for that kind of thing. देखो, I mean it's fast ki kalam and I think it there is maybe a market for it, lekin we like I said ki we the people who want to know about it and want are interested will search it out and find it, and I think that appeals at this point more, and you know and maybe we start to get a little bit more in line with the people's opinion so then. But even at that point, like the question initially said, that video is an expensive and fruitless endeavor, which it is true. It's super expensive, and since we aren't making any money, so we aren't banking on the. But you do want some visual representation, and we weren't even sure if we were gonna get a video made. It was basically we asked who was it that फाइनल ईयर के फिल्म स्टूडेंट्स हैं. इनफैक्ट मैं एक जगह, सो दिस इज बेसिकली देयर प्रोजेक्ट दैट दे आई गिव दिस टू देम आई नो इनफैक्ट आई गिव देम सेवरल वीडियोस, सेवरल डिफरेंट स्टूडेंट्स वर गिवन एंड देन दिस ग्रुप आई सेड के व्हाई नॉट यार, आई आल्सो प्ले इन अ बैंड एंड एट द सेम टाइम गंबी सेड के यार तुम ये करो, अच्छा आइडिया है. एंड देन द आइडिया वाज बेसिकली द स्टूडेंट्स एंड अस, मी एंड गंबी आल्सो, कि यार गंबी का एक्चुअली आई विल गिव हिम फुल क्रेडिट, इसका आइडिया था कि नहीं यार just shoot the textures and the faces of Karachi, like the real texture of Karachi. ji maine bhi history, maine ek noon mein mirashid ki nazam ke upar ek film banayi thi, short film banayi thi back in 12 years 13 years ago, aur main puri duniya travel ki thi us film ke sath with festivals. main germany mein bhi bade festivals mein maine attend ki thi wo film. to wo ek bada mazey ka ek hai wo, jab aap real texture ja ke shoot karte hain, film karte hain. So it turned out very nicely. The students had their assignment and it gave us some kind of mileage. It is featured on our Facebook page. Theek hai ji.
यूट्यूब पे भी इवेंचुअली डालेंगे हम उसको डालेंगे एक दो साल लगेंगे लेकिन डल जाएगा नहीं डालेंगे वी बेसिकली गेव इट टू पटारी सिंस एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू डेवलप एक चीज जो पाकिस्तान एंड जनरली नॉट जस्ट पाकिस्तान इन द वर्ल्ड पहले तो जब यू नो व्हेन इट वाज जस्ट पीटीवी तो कोई भी चीज जो पीटीवी पे चलती थी हर बंदा पाकिस्तान में उसको जान जाता था उसको पहचान जाता था दे हर्ड इट देयर एंड एवरीवन वॉच्ड द सेम थिंग अब नो वन वॉचेस द सेम चैनल्स नो वन गोस टू द सेम वेबसाइट्स सो इन दैट सेंस आई थिंक पटारी एंड आई लाइक द फैक्ट दैट देयर इज अ रिपोजिटरी ऑफ वन प्लेस where you can go and see and hear all the latest things that are coming out of Pakistan so it's I think it's a it is it's good to have one point that ye nahi hai ki ab Facebook pe YouTube pe bhi hai iTunes pe bhi hai is pe bhi hai I mean I think we will eventually go for that lekin I think it's always generally good for the arts and cultures to have like one portal of what portal that is we tend to be associated with Patari just cuz we kind of know the guys and we're on friendly terms so they kind of help us out we help them out so it's just kind of turning out that way but it's yeah, nice one portal that you can get everything from I agree with you ke ek portal hona is tarike ka zaruri hai jo sawal tha kyunki wo main aage padh raha hu to uske andar bhi ek isi tarah ka question pucha gaya ke it is easy to upload ke for example facebook ke upar is sirf patari ki एक जगह पे आपकी वो खाक नशीन की वीडियो मौजूद फिर यूट्यूब के ऊपर भी कहीं पे भी मौजूद नहीं थी एक अब दो दिन पहले अपलोड हुई है इसको पता नहीं मुझे नहीं पता कि क्यों लेकिन ऐसा लग रहा है कि इग्नोर किया जा गया है कि या फिर शायद आप लोग उसको एक खास साइकिल के थ्रू रिलीज करना चाह रहे हैं या फिर नहीं कोई इतनी कोई हमारी कोई ना तो इतनी कोई प्लानिंग है ना कोई इतना हम उस पे सोच रहे हैं करना भी चाहिए आई थिंक लेकिन अब वही है ना वी ऑल हैव दिस इज आवर काइंड ऑफ वी गेट टुगेदर एंड डू दिस व्हेन वी आरंट एक्चुअली डूइंग आवर एक्चुअल जॉब्स व्हिच टेंड टू बी अ लिटिल बिट मोर कमर्शियल बेस्ड एंड वी एंड अप काइंड ऑफ जस्ट बीइंग लाइक या वी हैव लाइक 2 आवर्स सो लेट्स गेट समथिंग डन एंड दिस टेंड टू डू इट एंड आप लोगों का पोस्ट स्पेशल प्रोजेक्ट है एंड इट इज समथिंग दैट आई थिंक वी शुड मेबी push a little harder with but at the same time we're okay with it growing organically which I think it is and the our focus right now is not to get distracted by you know the being I just have mere sath aksar hota hai when I am producing a song so aksar I'm playing on it as well as recording as well as tracking as well as mixing as well as doing all so when you move from like a creative aspect into like the marketing side or the technical side, then all of a sudden you can only wear so many hats without one thing suffering a little bit. So right now what we are kind of focused on is ke yaar at least have 4 or 5 songs out. Mm-hmm. At least have 4 or 5 songs done. Yani ke we're on our fourth recording of a song. Abhi yani pehle do plus we've got 2 more and inshallah another one will be coming. So we'll have about 4 or 5 songs as a right. group. And I think what I would like is ki jab 4-5 gaane ho jayenge, then we start pushing Chand Tara Orchestra as a band that has 4 or 5 songs. I'm of the opinion anyways ki jab ye aajkal jo ek trend chal raha hai ki har 6 mahine baad ek gaana aata hai aur chala jata hai aata hai aur chala jata hai to artist ki koi ना कोई पहचान ना कोई फील समझ आती है क्या किस किस्म का म्यूजिक है व्हाट इज देयर वेयर इज देयर माइंड एट व्हाट आर दे ट्राइंग टू से किस किस्म के ये मीनिंग क्या है बट यू गेट अ कलेक्शन ऑफ 4 or 5 सॉन्ग्स एंड ऑल ऑफ अ सडन एक टाइम स्टैम्प उस पे लग जाता है और एक उसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है सो या आई थिंक राइट नाउ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कॉन्टेंट एट लीस्ट दैट वी कैन देन स्टार्ट पुशिंग to the masses lekin I think it's important to have 4 or 5 songs under our belt that we can show and then you know I think promotion wo sari cheeze khud bhi hona shuru ho jayenge and then you know it is 5 gaane we'll have a collection of songs up inshallah everywhere on YouTube and the video and everything will all kind of happen and
everything happens kind of haphazardly. We without the video being released, we got nominated for the Lux Style Awards for Khak Machine for Song of the Year. So the video was still in the works. We'd already released the audio and we got like this huge promotional thing happening out of it, but we didn't have the video ready. So, you know, but it was already kind of ass backwards as far as like, you know, officially aap kis tarah usko release karte hain. Officially, if we'd done it, you know, properly, we'd have the video released along with the audio at the same time and had the whole thing. But I think it's more important that we keep our creativity online and kind of keep our identity as a band. And at least when we have 4 or 5 songs, then I think we can safely say, because you know, purane zamane mein to hota tha, at least 5 gaane to chhode aap, you know, you had to have an album's worth of material ready, not just ki ye hum inshallah 10 gaane banayenge. It was like 10 gaane hain hamare paas ready recorded to go, ab unme se ek gaane ki video banegi ab. And now that with that video, all 10 songs are going to be released in the form of an album. So we're barely getting to like 4 or 5 songs, but I think it's important to have that timestamp, especially like a band like Chantara, which isn't the end goal. The end goal, I mean, is to get as many people to listen to the music as possible, but it is to be, you know, interesting and kind of do it. We are doing it for ourselves. If we do commercial work, then we will definitely thoda sa zyada lighter material. Probably we would have gone for something a little bit easier listening. So ये आपने कोई 4-5 questions जो ना साथ मिलके जवाब दे दिया कुछ तो मैं अच्छी बात है. अच्छा, in future what direction do you want to take in terms of lyrics? You want to make Sufi songs like it is kind of in trend now in Pakistan, or do you want to follow with revolutionary The fact that it's in trend right now doesn't, I mean, that's not something that we don't necessarily go primarily for Sufi. Labels yaar ek to bahut bure lagte hain. Ek to ye pura Sufi kalam ko jo bilkul hum bhi use kar rahe hain, the next song that's actually coming out with CTO is Baba Bulle Shah ka kalam hai. Lekin I will never call Chantara Orchestra Sufi band. Yeah. I just hate the label of Sufi band, Sufi rock. It's South Asia. It's like it is a South Asian ki ek heritage hai South Asia ki. Ye heritage hai, hamari cultural heritage hai. So whether it be Sufi or revolutionary. Which is Faz is actually a little bit more revolutionary than Sufi. I mean, there's more like contemporary Sufi. It's contemporary, lekin bilkul Gumby sahi keh rahe hain ki wo bhi Faz koi remove nahi hai. Ek aam aadmi ki dil ki dhadkan ki awaaz hai Faz. And that's what the Sufis and the saints also were doing the same thing. That's why their unki ek aam fehm bilkul aam aadmi se relate hone wali jo hai wo shayari aur alfaz hote the jo dil mein bas jate the. I think I would go more like it's folk music meets Pink Floyd. Yeah, I think so. I think folk or Floyd sahi lagta hai. Folk and Floyd. Acha, isi sawal ka jo dusra part tha jo main khatam kar lu, wo yahi tha ki is it possible that we hear more of Faz's poetry, because that would be awesome. Aage chalte hain. One thing about Coke Studio is that they have English subtitles, so we can show them to our white friends. Anyways, you guys can talk to your media partners, Patari, to add English subtitles, Khuda ke waste, in Khak Nashin video, with other future ventures, with or without them. So yeah, English subtitles dal dega please. Agle gaana. We will have English subtitles. Gumby ka ek sawal hai aapse isi baat pe. Jab La Bamba aur Lambada nikla tha, to usme subtitles nahi the. उसको पता भी नहीं होगा लबाम्बा और पता नहीं क्या तो तुम्हारी एज क्या है भाजी लबाम्बा एक वो एक स्पेनिश में था गंबी एंड आल्सो ऑब्वियसली उन दिनों में ना यूट्यूब था ना कोई ऑप्शन था कि नहीं बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि नो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज आई माई सेल्फ हैव डन सिमिलर थिंग्स वेयर कोक स्टूडियो के ट्रांसलेशन के साथ मैंने गोरो लोगों को सुनाया हुआ दिखाया हुआ I think it's helpful, and even for someone like me who's, you know, aadhi cheeze fast ki to samajh bhi nahi aati. So I need English subtitles. Yeah, I need it explained to me anyways. So it's good. It's good to have that, and that is something that
once it goes on YouTube, we will have those translations on as well. मेरे ख्याल से एक अच्छा stepping stone बनता है किसी को और आसानी पैदा हो जाती है सुनने में. Yeah, that is definitely something we. On your Facebook page, you have a 20-second clip of a song called Kabira, which sounds awesome. Where can we get the full song? Never, it was never done. Kabira, हमने शुरू किया था. Kabira भला हो, ये कबीर दास का कलाम है. बहुत बड़े एक एक शख्सियत गुजरे हैं. और वो सिंगर थे उस वक्त अलग थे शेरी के, इससे पहले जो एक आया था हमजा अकरम कवाल अपने वो ही इज फ्रॉम द सेम फैमिली एज फरीद अयाज एंड अबू मोहम्मद तो वो ही वाज सिंगिंग एंड ही परफॉर्म्ड वी परफॉर्म्ड दैट सॉन्ग लाइव बेसिकली वी मेड दैट सॉन्ग टू परफॉर्म लाइव एट द आई एम कराची फेस्टिवल व्हिच वाज Two years ago, एक फेस्टिवल हुआ था आई एम कराची. उस वक्त शेरियार जो शेरी हैं, शेरियार रजा और जो बैंड में सिंगर है शेरियार फ्रस्ट्रेटेड विद द फैक्ट दैट वी वर डूइंग टू मेनी फ्री शोज फॉर फ्रेंड्स यू नो आई फील दैट वाज अ स्टूपिड थिंग टू डू बिकॉज इफ समबडी इज चार्जिंग people for music the stupid thing charge. being that free, do, doing free shows yeah but like koi kisi na kisi ki artist ki ek token amount definitely hona chahiye definitely that is izzat dene wali baat acha to khair anyway that is another debate lekin Sheryar ne kuch arse ke liye kaha tha ki yaar main nahi kar sakta kaam is tarah to we tried out a couple of different people jinme Hamza Akram was one of them उनका अपना अब एक नाम है he's coming up now as a young kawal very emerging very fast on the scene he joined और उनके साथ जिस तरह उमरान ने बताई कि we jammed और ये कबीर दास का मुझे भी बड़ा दिल था शुरू से क्योंकि मैं कबीर दास का बहुत बड़ा फैन हूँ कबीर जी का तो मुझे बड़ा शौक था कि कबीर जी का कुछ करें हम तो वो किया था हमने उस पे हमने did we ever work on that song? वो कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ बॉस तो वो जो एक लाइव रिकॉर्डिंग हुई थी आई एम कराची की आई थिंक दैट वाज इट और अब अगर हम उसकी वीडियो भी डाल देते हैं लाइव वीडियो कबीरा की जो कि उमरान के पास शायद है उसका मास्टर्ड ऑडियो आई हैव द ऑडियो तो मे बी वी कैन पुट द ऑडियो आई डोंट नो बट दैट्स गोइंग टू थ्रो पीपल ऑफ फ्रॉम व्हाट द डायरेक्शन वी हैव आई डोंट नो यार इट्स अ स्ट्रेंज पॉलिटिकल यू कैन थ्रो यू कैन नॉट कॉल इट ओके अ रिकॉर्डिंग बट आप उसको एज अ treat for fans or something because I would personally love to feel here they have a video of it and in the audio that I did but they never so released I don't think they officially released it though I could always find out but if we ask them to phir wo conflict of interest bahut sare can of worms hai to I don't know I'd rather just keep it on my computer and watch it for myself nahi lekin I mean I can understand if people hear like jhalkiya of something that sounds cool and then they never get to hear it that would be frustrating you'd be like how do we get this Gumby is familiar with 30 second clips this is torture on some of your fans but I will push you after the interview to release it don't worry acha yeah ek badi interesting cheez ye naam kahan se aaya tha kaun sa naam chand tara orchestra yeah so is babar's babar foundation मेरा ख्याल है कि आई हैव अ नैक फॉर कमिंग अप विद स्ट्रेंज नेम्स और I remember when we were just hanging out in Lahore to Lahore aaya tha like 10 the 12 saal pehle 13 saal pehle he was hanging out I was playing in a band called Coven at the time and we were jamming oh Coven boys to abhi bhi I mean we long history of jams connection and yeah so we were playing and I think Babar showed up one day and we were just hanging out after the jam and he was like yaar I have this idea for a band that's I don't know you kind of described something so, and then you were like and you know it'll be something like Chanta or orchestra I remember hearing the name back then I was like that's a great name हमारे एक दोस्त हैं एक्चुअली वो मजाक में जो है ना वो म्यूजिशियन है हमारे एक दोस्त तो वो बैक इन द डे हाँ नहीं नाम ले सकता हूँ उनका ऐसी बात नहीं है लेकिन वो रेलेवेंट नहीं है इतना रेलेवेंट ये बात है कि वो मजाक में जब हम कोई चीज़ ज़रा सी ज़्यादा ठेके वाली या देसी चीज़ आप एक वेस्टर्न म्यूजिक
میں ہم چونکہ ان سے ایسوسیشن ویسٹرن میوزک کے حوالے سے تھی ہماری, ایک راک بینڈ میں ہم ساتھ کام کر رہے تھے, تو اس طرح کی کوئی جب دیسی چیز بیچ میں آتی تھی تو وہ کہتے تھے یار یہ تو بالکل سلیم چاند تارا بینڈ کی طرح کا وہ ہے, تو وہ مذاقن کہتے تھے کہ سلیم چاند تارا بینڈ جو ہے نا وہ ایک کوئی امیجنری بینڈ ہے جو کہ بالکل دیسی مارچ پاسٹ شادی کے بینڈ ٹائپ کا چیز, بٹ آئی آلویز لو دی آئیڈیا آف چاند تارا اینڈ دا فیکٹ دیٹ وائی کانٹ وی ہیو, اینڈ میں اس سے پہلے میں جب بہت پہلے جب میں یونیورسٹی میں تھا تو اس وقت بھی ہم ایک اس طرح کے بینڈ میں تھے کہ اب تو آپ کو یہ بمبو سوس اور بشیر اینڈ دا پائپ پائپرز اور ایسے نام سننے کو ملتے ہیں, بٹ بیک ان دا ڈے وین آئی واز پلئنگ ان گندا بندا اینڈ دا تھری ڈی کیٹس, that was also the first of its kind name to be a completely alternative off the bat strange name, you know, to Chand Tara Orchestra bhi usi legacy se nikla hai ke yaar, and the fact we wanted it to sound like an orchestra, it has to sound big without and the cool thing is it doesn't involve a lot of music, like 3 se 4 se 5 zyada log, but somehow make it sound as big as possible and kind of that the, right. the sense of grandeur that mm-hmm. has to come, so Chand Tara definitely is evocative of that. Acha, walk me through a jam session, like if, for example, let's say you're sitting on like Gumby sitting on drums, aap dono guitar pe, so how does the sound form through that? سب سے پہلے تو بابر کو گالیاں ملتی ہیں, ہاں جیم سیشن کیوں وہ لیٹ کی وجہ سے, نہیں لیٹ نہیں ہوتا, میں ویسے ہی پڑھتی ہیں بوس, میں لیٹ ہوں یا پھر میں ایک رات سے سو بھی رہا ہوں وہاں پہ مجھے گالیاں, سنس دس از بابرز برین چائلڈ دین آل فالٹس آر ہز فالٹ, آل پرابلمز آر ہز, میرا بینڈ نہیں ہے لیکن یہ لوگ سب یہی کہتے ہیں کہ میرا بینڈ, اس نے رکھا انیشیٹ اس نے کیا اور گالیاں بھی اسی کو پڑھنی چاہیے, یہ بات صحیح ہے. جو ریہرسل ہے نا جیم جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے گالیوں سے شروعات ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ہم اور گالیاں دیتے ہیں, نہیں بیسکلی مومو یا تو کوئی ریف اور آل پلے اے بیٹ and then things kind of pick up and then Sherry jahan kisi cheez ko samajh aana shuru ho jati hai, and usually it's basically jab Sherry is forced into singing, aur usko hum kehte kuch gaana, phir kalam apna google pe dhoond raha hota hai, ek din pehle wo bhi gungunana koi cheez shuru kar deta hai ya koi galiyan padti hain, phir jaake wo thoda under pressure hoke wo poopa karna shuru kar deta hai, phir wo record karte hain usko, phir wo ghar jata hai, پھر وہ گھر جا کے کچھ آئیڈیاز فگر آؤٹ کرتا ہے کہ میں کیا کروں, اور اکثر وہ ایک جو جیم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 40 منٹ کا, اس کے اندر ہمیں پانچ منٹ کی کوئی جیم کوئی چیز سنائی دیتی ہے, وی آر جسٹ لائک اچھا اس پہ فوکس کرتے ہیں, اینڈ دین وی ٹیک دیٹ آئیڈیا اینڈ کائنڈ آف, اینڈ آئی تھنک سم تھنگ وجی جو ہم لوگ ایک ڈفرنٹ چیز کرتے ہیں فرام ادر بینڈز از وی ریکارڈ آور جیم سیشنز, ایک گھنٹے بھی جیم دو گھنٹے ہو رہا ہوتا ہے تو وہ سب ریکارڈ ہوتا ہے, اسی میں سے پھر کوئی آئیڈیا, پھر اس کو سننے کا بھی ایک ٹاسک ہے, اس کو بعد میں سننے کا, اس پورے جیم سیشن نکالنا, ٹرم اٹ ڈاؤن ٹو سمتھنگ, ایکچولی ٹو بی آنیسٹ اب ہم اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ جیم سیشن میں ہی ہم لوگ دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ والا اچھی چیز لگ رہی ہے, اس کو تھوڑا سا پکا کرتے ہیں, اس کو دوبارہ کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں باس, تو آئی تھنک دیٹ لینڈز اٹسلف ٹو بینگ the true sound of what the four of us are, so like in a room together, basically you know? the music that you hear is actually coming out from improvisation, it's not structured as such, like if you are a musician or there are musicians out there, hum apni galtiyan bhi chhod dete hain us pe, agar koi achhi take nikal jati hai gaane ki to hum galtiyan chhod dete hain us pe, kyunki ab wo usko recreate karna is near impossible, yeah, I think right now we're definitely more into feel over, so the approach of this music is far from what we, at least Omran and me, what we do for a living, and yeah, this thing came about because Babar is busy with his video stuff and he's teaching, Omran was doing Coke Studio and he's playing with Ali, he's doing his audio studio projects, I'm touring with Rahat, so those are things that make us money, and it's definitely all mainstream stuff which is basically someone else's concept and someone else's idea,
and which does not mean we don't like it, but this is something what I or every one of us think that ye ek zara hatke cheez hai. And the reason why I say that Pakistan is still not ready for something like this is because I don't know anyone who put a video out without them being in it, or this kind of lyrical content you'll only hear someone like Tina singing. You know, something very serious, like very ek to pata nahi logon ko kis kism ka depression ka teeka laga hota hai, wo they do, if it's fairs or it's that kind of stuff na, either it's very Sufi kind of thing that there has to be a certain kind of a sound to it, it has to be depressive ghazal type kuch. So the idea of Chaand Taare is orchestra. It is an orchestral feel. You'll find these different kind of guitar sounds, atmospheric sounds. My playing is very different in this kind of a setup. Mm-hmm. A lot of people wouldn't expect that kind of a sound from Omran or from me. You know, Babar playing very totally different stuff from what he used to play. Like, I didn't even know that he listens or plays this kind of music. Exactly. Like until recently, true. Right? So the thing is, the expectation is not deliberate. That we are not trying to give a shock value here. It's just literally what we like doing. The thing is, jisko samajh mein aa gaya, jisko nahi samajh mein aaya, wo bilkul wo ek ya to they'll listen to it because they think it's something different and it's supposed to be cool, or people genuinely like it. ठीक नहीं आई एग्री के इस तरह के गाने स्पेशली मैं इसी बात से अपीलिंग करूँगा वाई नॉट क्योंकि आप लोगों की सभी एसोसिएशन रही है कोक स्टूडियो के साथ और दूसरे अदर बड़े ब्रांड्स के साथ तो वाई नॉट टेक अ प्लेटफॉर्म सच एज कोक स्टूडियो और इवन टू सम एक्सटेंट नेस्कैफे बेसमेंट इवन दो दे आर नॉट इंटायरली योर कोक स्टूडियो ये नेस्कैफे बेसमेंट जो है ना they cater more towards songs that have already been released before. And whether or not, jis tarah bhi hai, wo, I think we're not averse to the idea, lekin we're not also going to run after them. Wo hamari sound nahi approach nahi karenge. You know, if they approach us next year, ki aap aake bajayein, to obviously we'll be like, sure, let's do it. Maza hai. But the thing is, ki, you know, when you try and propose something to them and you obviously internally to hum unke saath kaam karte rehte hain I think there would be but a conflict then you'd have to cater interest. To them you know as opposed to wo conflict of interest hota hai basically coke studio mein ek certain kind of artist cannot really fit in like I don't think we fit in there solely because band coke scene to hai nahi na coke studio coke studio has a certain sound bilkul okay wo agar humne wo sound karna to fir hum coke studio type music hi kar le hum ye kyu kar rahe nahi to coke studio se again meri murad thi ke acha ek bada mazak question tha ye ke tell maine usko apne alfazon mein bayan kar diya tell Omran Gumby to get Pepsi to sponsor them in making a show get Rohail on it as well and show Coke Studio that they need to stop the commercialized bullshit Indian movie songs that they are trying to show over malnutrition due to Karachi ki garmi wali throats ab dekhe aapne 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 apne sawal ka khud hi jawab de diya mera bhai ha samajh rahe na देखो वो द बीटल्स जो थे ना द बीटल्स जब जॉर्ज हैरिसन मरा है ना तो वो बैंड उन्होंने खत्म कर दिया वो उन्होंने इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि वो रिंगो स्टार वाज लाइक द वीकेस्ट लिंक आई थिंक एज अ म्यूजिशियन इन दैट बैंड आई लव रिंगो स्टार बट दैट साउंड That sound, oh man, he was terrible. He's terrible, but yeah, I love Ringo his Starr, The Beatles would not sound like the Beatles without him. वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ. अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो drummer को change करते, तो वो Beatles नहीं रहता, वो cockroach हो जाते, शायद cockroach, the roaches हो जाते. Cockroach, समझ रहे? तो so the thing is when we were doing the first 3-4 seasons of Coke. तो मोमो विल आल्सो अग्री बाबर खन्ना विल आल्सो अग्री असद अहमद जाफर एवरीवन विल अग्री दैट वो जो केमिस्ट्री थी ना वो एक वजह से थी और वो केमिस्ट्री अब नहीं रही है वो शायद कोई और केमिस्ट्री बन गई है लेकिन वो नहीं रही वो फिजिक्स हो गई बायोलॉजी गॉट गेट सम आई अंडरस्टैंड व्हाट सो इट्स बेसिकली जस्ट अ मैटर of perspective it's whoever jisko some people think that the last few seasons have been fantastic some people beg to differ
But I'm saying it's an open platform. Everyone's open to speculate on whatever musically. I think Coke Studio is basically designed to sell more Coke. That's pretty much the bottom line. And the second thing is, yaar, aur koi cheez hai nahi. Mujhe ye bataein ki aur kaun kar rahe hai. Much that happens. Itni 10 ye 10th season hai inka. Uska matlab ye 10 saal se ye music kar rahe hain. मुझे ये बताएं कौन सा ब्रांड है इतने कंसिस्टेंटली इतना पैसा म्यूजिक में पैसे लगा बहुत ही जबरदस्त उनका तो वो तो मैं आई विल गिव देम क्रेडिट फॉर दैट नाउ द थिंग इज इफ समवन्स पुटिंग इन मनी देन दे हैव एवरी राइट टू टेक द प्रोजेक्ट द वे दे वांट टू टेक इट आई मीन इफ समवन आस्क्स मी दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट कोक स्टूडियो आई वोंट से एनीथिंग negative or positive about it all I'll say is that if I were to do Coke Studio I would do it differently theek acha ab ek question bada interesting tha especially mere khayal se ye jo musicians hain ya phir jo musicians log banna ladke banna chahte hain unke taraf se ki for example how will Pakistan ever produce good enough guitarists or drummers if the songs we listen to don't have guides official chord breakdowns video tutorials With Babar Imran consider will Babar and Imran and Gumby consider posting official guitar or drum instruction videos on YouTube on how to play their songs or we don't mind. I don't have the energy to sit there and tab out everything that I play. I don't remember everything that I played, so I probably couldn't do it even if I wanted to. Imran probably doesn't even remember what happened this morning. Half the time. But हम उस generation से आते हैं जो कि अगर गाना cover करना होता था ना तो वो कैसेट जो है ना कैसेट प्लेयर होता था उस वक्त तो लिटरली उसको बार बार रिवाइंड करके उसको बार बार सुनना होता था और वेदर इट वाज लर्निंग फिगरिंग आउट द कॉर्ड्स और वेदर इट वाज मेमोराइजिंग द सॉन्ग आई मीन इट्स नो पेन नो गेन यार ईयर ट्रेनिंग मतलब अगर आप गाना और आप करें अगर आप समझते हैं कि बाय रीडिंग टैबलेचर्स You're going to become a great musician. I'm sorry, that's the worst approach you can have for yourself because there's a shitload of information out there on the internet. Okay. Yeah. Okay, tablature leke aapne baja liya and that's the reason why most of the new musicians who at least I hear, wo baja to rahe sahi. वो ऐसा लगता है ए बी सी सीख लिया तो बड़े बड़े अल्फाज उन्होंने फॉर्म कर लिए और बोलिए देखो आई एम स्पीकिंग सच प्रॉपर इंग्लिश लेकिन उसमें कोई डेप्थ ही नहीं होती है बेसिकली सो द क्वालिटी ऑफ कॉम्पोजिशन फॉर अ म्यूजिशियन बाय गोइंग ऑनलाइन एंड वॉचिंग ऑल दीज इंस्ट्रक्शनल वीडियोज और पिकिंग अप टैबलेचर्स इज नॉट रियली गोइंग टू मेक यू अ ग्रेट म्यूजिक इट एक्चुअली किल्स योर क्रिएटिविटी And we, a lot of the times, at least for people, always ask me to play like Coke Studio songs. Yeah. And for me, I used to play everything in like open tune and weird tunings and nothing was ever standard and we were playing pattern based stuff, improvised. There really is no way to tab that stuff out. Yeah, jitne bhi, I don't know if you guys are familiar with the Real Book. It's a book. It's like a jazz standard book that is basically taught in every music school around the world. The irony of that is that jo real book hai, the real book is basically improvisation by the jazz greats. वो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था music. तो उन्होंने बजा के किसी ने उस music को transcribe करके ठीक है. उसने ट्रांसक्राइब करके उसने रियल बुक पे डाल दिया और ये बोल के जी ये ट्रांसक्राइब है इसका आप इसको सीखें ठीक है ना इमेजिन समवन हु जो पढ़ा लिखा नहीं था म्यूजिशियन उसने ये चीज़ बजाई है एंड इट वाज सो एडवांस्ड दैट समवन हैड टू पुट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर फॉर समवन एल्स टू लर्न इट एंड अंडरस्टैंड इट अब आप खुद ही सोचें एक बंदा जो एक दूसरे बंदे का इम्प्रोवाइज फॉर्म बजा रहा है म्यूजिक वो उसका कहाँ क्रिएटिव उसका क्रिएटिव प्रोसेस कहाँ आ रहा है इस चीज़ में सो इफ समवन वुड आस्क मी दैट हे मैन हाउ डज वन गेट टू प्ले लाइक उमरान और वन गेट्स टू प्ले लाइक गंभी और एनी वन आई बी लाइक व्हाई वुड यू वांट अनदर गंभी और उमरान यू डू योर ओन आप अपना यार देखो निर्वाणा से लेके फ्रैंक ज़ैपा तक ठीक है यू कान कंपेयर द बोथ बट इफ Kurt Cobain said, "I can't play that many chords as Frank Zappa." वो तो कभी भी वो उसका जबरदस्त एल्बम था उसका Nevermind. और मैं आपको बताऊँ सर बड़ी बड़ी अगर आप रॉक हिस्ट्री या कंटेम्प्रेरी म्यूजिक हिस्ट्री में आप जाओगे ना
तो आप चीजों को देखो और आपको आइडिया होगा कि यार ये मतलब है किसी बेसिस्ट की लिमिटेशन है कि यार वो हाथ से नहीं बजा सकता, स्लैप पॉप नहीं बजा सकता, वो पिक से बजाता है, प्लेक्ट्रम से बेस. तो उस बैंड की साउंड उस बेसिस्ट के अराउंड है यार. उसमें अगर आप बहुत कोई एक्सपीरियंस जैज स्टैंडर्ड बंदा खड़ा करते हैं जो सिक्स स्ट्रिंग बेस बजाता है रनिंग के साथ, ब्लैक सैबथ में वैसा बंदा खड़ा करते हैं, वो साउंड ही चेंज हो जाएगी. स्टिंग का एक था इन हिज बायोग्राफी, ही एक्चुअली सेड दैट आई वाज टू गुड टू बी प्लेइंग इन अ रॉक बैंड एंड आई वाज टू बैड टू बी प्लेइंग इन अ जैज बैंड. सो ही फाउंड द राइट, ही फाउंड अ टीम दैट वेयर एज अ बेस प्लेयर एंड द ड्रमर वाज सो बिजी that he didn't have to play that much, right? Mm-hmm. And what a team they were. The agar aap jo bhi cheez uthao unke polyrhythms mein aate the generally. Mm-hmm. And the drummer was all over the place, and if he were to be playing with another bass player, wo agla banda bolta dekho kitna overplay kar raha hai wo. But they both complemented each other. So I think for anyone who wants to learn to play or is an aspiring musician, they should listen to what they like. Mm-hmm. And try to understand what the person is playing, so that they understand ki yaar, if I want to build my own identity, what's it going to be like. Varna to, I mean, standard cheeze bajana, wo to there's so much information on YouTube. Literally, that's all I do is Momo does actually. I'll go online and just I swear I'll just go listen to other musicians playing and there's so much information out there. Mm-hmm. From like building your own guitar to like swapping out pickups to like learning how to shred like Malmsteen and play like play jazz or whatever. Ab jo bhi information, it's all out there. So there's not even any excuse. Or agar apne desi singha to desi bhi information hai. Ab to yaar aap like all information, the world's encyclopedia is all available to you. How to make a smoothie? Aap ek perfect fried egg kaise bana sakte hain? Aap sab kar sakte hain. So aap log kahenge ki har bande ko apni musical journey ke through guzarne ki zarurat hai. Yeah, dekhiye thoda sa koshish identify karna hai ki banne kya chahte hain. Do not try to be someone else. Mm. Take inspiration. Taking inspiration and copying are two different things. ये लोग समझते नहीं हैं यार. सबसे मसला बड़ा ये. बहुत fine line है कि यार inspiration लेके किसी का essence समझ के उसको अपने अंदर उतार के खुद, क्योंकि हर आदमी individual है. आपकी हाथों की fingerprints की लाइनें एक दूसरे से नहीं मिलती यार. हम बात कहीं और लगे. Initial question was के where the lessons, like the people are, I guess, looking for. Not just, they want to be able to say, for instance, play Khak Nashin, at least some of the things that you've done on it, like on drums, Gumby. There's a thing that you do that sounds like a delayed effect on your drums, but it's you just doing a fake delay. I can do a little documentary on you and him, sort of demonstrating the parts. Like 2 minute ki film bana sakte hain. I think generally... We never thought of it before right now. We barely had the energy to like get the song out. we haven't gone on YouTube yet. So there's a lot of stuff that is possible. I think someone has to be dedicated. Ab dekhe, if we knew ke we can... I can... If I devote like something... as like teaching 5 hours a day, then I would expect somehow to be compensated for it. Now I can't afford to spend 5 days on it. सबसे पहले तो हमें पता भी नहीं था हमारी इस तरह की following है कि किसने कोई नहीं नहीं तो obviously आप लोगों की इसलिए हमारे forum पे और हमारे जो community है उसके अंदर तो है क्योंकि काफी सारे लड़के हैं वहाँ पे जो कि इस तरीके से सोचते हैं. और मेरे ख्याल से YouTube एक अच्छा channel बन गया है for example monetization के हिसाब से भी. नहीं तो तुम किधर हो? बर्लिन में तुम क्या पेंसलॉबर्ग में हो या इधर किस साइड पे हो? नहीं, आई नो बर्लिन. आई यूज्ड टू लिव इन बर्लिन 10 years ago. अच्छा, किधर होते हो? Alexander Platz. Very nice. One of the bands that actually inspired me to do Tarra Orchestra is a Berlin-based band called King Khan and the Shrines. तुमने सुना है उनको? ये एक Berlin-based band है. It is fronted by Arish Ahmed Khan, जो कि एक he's a desi Pakistani Indian expat, lived in Canada, played in the punk scene there, and then he now lives in Berlin. And he lives not very far away from actually Alexanderplatz.
and he mm-hmm. plays it's a very unique Berlin band called King Khan and the Shrines. Tum halka sa bhi inko YouTube ya Google karoge tumhe mil jayega. You should, while you're there, you should listen to them. Acha, yeah, interview ki taraf wapas aate hue, thoda sa wrap up bhi karte hue ke aap logo ka ab kaun sa koi plan hai concert mein concert play karne ka ankareeb ya phir koi gana jo aap log ka aane wala ho next, what are your plans next basically? यार प्लान्स तो बहुत हैं. प्रॉब्लम ये कि जब एक बंदा फ्री होता है तो दूसरा बिजी. एज यू कुड एज यू कुड सी टुडे आज हम जो लाइनअप करने की कोशिश कर रहे थे एक हफ्ता लगा है लाइनअप होने वो इसलिए क्योंकि बाबर अभी कल वहाँ पे था, लाहौर में था, आज भी शूट पे था. मेरा आजकल डाउन टाइम है क्योंकि वीजा मेरा नहीं लगा तो मेरी बचत हो गई. वीजा लगता तो मैं अभी इधर नहीं बैठा होता. ये अभी तुम्हारे करीब होते हैं उधर जर्मनी में. और उमरान का ये है कि उसके बीवी बच्चे नहीं है यहाँ पे. आज रात को आ रहे हैं और आज रात को तो कल के बाद आपको नहीं मिलेंगे. I was thinking Saturday morning. तो बस आज के बाद नहीं मिलेंगे आपको. मुश्किल होगा यार. नेक्स्ट गाना इज अ सॉन्ग कॉल्ड इश्क कमाल. आइदर इश्क, देयर इज अनदर सॉन्ग बट देयर इज टू सॉन्ग. Okay. We'll do Ishkamal. We've just decided on your interview that it's going to be Ishkamal. Actually, there's another song that we've recorded previously which hasn't been completely finished yet. Lekin we... Achhi news ye hai ke including Makki Madani and Khaak mm-hmm. Nashin, now we have material okay. enough for an EP. Yeah. Which is like a four songs. EP. And हमारी चूंकि गाने लंबे बहुत होते हैं तो वो almost 30 minutes से ऊपर ही होंगे ये चार गाने. समझ लोगे हाँ 40 minute का त्यों album होगी. तो ये एक छोटी सी EP type की album हम अभी कर देंगे release इंशाल्लाह in मेरा ख्याल है. अभी ये single release करेंगे एक और जो इश्क कमाल होगा. कल ही infact हमारी बात चल रही थी कि किस तरह और क्या उसकी timeline होनी चाहिए. लेकिन उसके बाद फिर वो जो आखिरी गाना होगा ईपी का, दैट विल प्रोबेबली रिलीज इट एज द ईपी एज विद ऑल द थ्री सॉन्ग्स. एंड आई थिंक बिफोर गम्बी जॉइंड वी वर इवन स्लोअर विद इवन हम लोग वी वर ऑन एन एवरेज ऑफ वन सॉन्ग अ ईयर एंड अ हाफ में एक गाना. तो ये तो गम्बी आया, गम्बीज गाना किक्ड अस इन द एस के गेट सम शिट डन एंड सो इट्स अ गुड थिंग. इसने आने से पहले बोल दिया था कि यार इफ आई कम तो यू गाइस विल हैव टू बी मच मोर रेजिमेंटेड एंड वर्किंग इन अ इट्स अ गुड थिंग. इट फोर्सेस अस टू काइंड ऑफ स्पीड अप द प्रोसेस. आई थिंक द हमारा सबसे जरूरी काम ये होना चाहिए एज एनी आर्टिस्ट और इज टू प्रोड्यूस कंटेंट एंड कीप द क्रिएटिवनेस alive. ये इस वजह से मैंने पुश किया क्योंकि it life can be pretty sort of mundane, you know. खास तौर पे, you know, when you're traveling, you're doing like in 56 days you're doing like 23 hotels, 34 flights. वो you're literally जब मैं stage पे होता, it's like an auto switch के बस शो बजा लिया खत्म. I don't even remember anything. It's literally that mundane. So I look forward to when I'm coming back. मैं literally line up कर रहा था इनको, भाई कौन है शहर में, कौन है मुल्क में, कौन है, इसको line up करो, इसको ये करो, इसका video बनाओ, इसे पूछो ये काशान किधर है, यार ये गाना record कर लो, ये कर लो. फिर फड्डे भी होते हैं, again बाबर को गालियाँ पड़ती हैं किसी चीज में, ये क्यों हो रहा है. अड्डा अगर कहीं रोड पे भी हो रहा होगा तो मेरी गलती होती है. बेसिकली खाने में नमक कम हुआ तो बाबर की गलती. आजकल जीआईटी में नवाज शरीफ का नाम आया हुआ, वो भी मेरी गलती. बेसिकली सो द रीजन व्हाई आई ड्राइव दिस इज बिकॉज वरना तो हम तो पागल हो जाएं. इट इज गुड टू And it's rewarding, यार. अब देखो आप अभी last week भी हम एक interview कर रहे थे, अब आज आपके साथ कर रहे हैं. Yesterday again I was having a meeting with Patari for one of the other projects that me and Omran do. हम एक podcast भी करते हैं जो कि हम कर रहे होते हैं. तो वो मतलब things are happening which is great with Chantara, which is mashallah a good thing, यार. It's a positive thing. मतलब it's encouraging के basically the idea is to keep this project. keep it going and keep you know amusing ourselves with the music that we're making and then hopefully other people will be amused by it as well. और आगे जाके यार सबसे जबरदस्त बात ये है कि original content है हमारे पास. अभी भी अगर हम देखें ये जो दो नए गाने रिकॉर्ड किए, एक इश्क कमाल अभी आने वाला है और एक उसके बाद वाला जो रिलीज करना है एंड में, वो एक्चुअली पहले से रेडी हुआ है. उसको सब कुछ मिला के 40 मिनट्स ऑफ ओरिजिनल कंटेंट,
अगर आप कबीरा जैसी जो कि आप पिछले 5 साल में बहुत कम ओरिजिनल कंटेंट कोई नहीं रिकॉर्ड कर सब ढूंढ रहे हैं कोई पुराना जो मर गया है जिसने कोई गाना लिखा था चलो और नए गाने आते भी हैं तो वो दे यूजुअली स्पॉन्सर्ड बाय सम कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ इट और जो ऑब्वियसली जब कोई स्पॉन्सर कर रहा होता है तो फिर उनके रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं कि इस तरह करें उस तरह करें ये बहुत स्लो है तो ये बहुत डिप्रेसिंग है तो ये वो है या वो है then you have to cater to other people this way we are you know independent able to kind of get our own right. artistic ideas out there without being kisi ke mohtaj nahi hai ki hum we have to follow some guidelines or anything we do whatever we feel like we discuss amongst ourselves and whatever comes out as mm-hmm. The five of us right now Kashan is a the guitar mm-hmm. player and a producer person Kashan Admani from Admani, aap jante honge shayad absolutely Kashan has also joined the band and so now we are a five piece and orchestra wow five piece orchestra to wo abhi mazedar ek sound aa raha hai Kashan aur Omran I don't know what the next video is going to be happening but I think the idea is ke ye char gaane ek dafa jab hamare taraf se complete jab ho jayenge to then you know shows obviously inshallah and then I don't know about a video but somehow maybe idhar udhar karenge but the idea is to keep making stuff and then once we have a set of you know songs mm-hmm. then we can start promoting it properly and also doing shows and everything so this is aap yehi soche ke we are still in the production phase na so we're still right consolidating all our thoughts and coming up mm-hmm. with what the sound is for Chaand Tara for the next foreseeable future I guess the next year or so and then you know as soon as we've got those 4 or 5 songs hopefully we'll be able to perform those shows for people who, right. who actually want to hear it as opposed to be like you know they've never heard the songs before and then they'll kind of just be in shock acha ye kis kism ka gana chal raha hai you know so it So I think it's better to have a good 4 or 5 songs that people can hear, appreciate, and then maybe start listening to live, and then if something gets going, then maybe we can do a video for something else as well. Ish kamal ka video agar so Makki Madni, Fuck Machine, Ish अभी जो आप लोगों ने अनाउंस कर दिया मुझे लगा इस इंटरव्यू के ऊपर काफी सारी चीजें अनाउंस हुई हैं और एक अच्छा सेशन था हमें भी चीजें भी अनाउंस किया हमने चीजें भी पता ही नहीं थी बिल्कुल इश्क कमाल एंड व्हाट्स द फोर्थ नाम यार उसका नाम अभी तक वो जो नाम वी हैवंट डिसाइडेड उस कलाम का जो नाम है वो तो जरा क्योंकि कलामों के नाम नहीं होते वो अल्फाज से याद किए जाते हैं एंड दिस इज समथिंग आल्सो व्हिच वांट टू ब्रेक अवे विद क्योंकि खाक नशीन भी कहीं पूरी उसमें उस पूरी एक्चुअली गाने में तो नहीं होता है कि वो फैज साहब की भी हाँ वो फैज साहब की भी एक पोएम नहीं है वो फैज साहब की तीन पोएम्स की एक्सर्प्ट्स हैं जो शहरयार ने निकाली हुई और उसमें से एक जगह है खाक नशीनों उठ बैठो तो वहां से हमने खाक नशीन डिराइव करके उसका नाम लिया एंड देन अगेन वी ऑल वी हैव अ डिस्कशन वी हैव आई थिंक द मोस्ट हेल्थी थिंग that holds together CTO is ke hum log we are shameless in discussing everything and anything with each other ke hum khul ke baat karte hain ke yaar ye idea hai kya khayal hai and we are not afraid ke yaar main agar ek idea launga Omran Gumby usko shoot down kar denge I won't be disheartened about it I think that is something positive heart sync karta hai iska heart sync different wajah se karta hai eye to eye ho jata thoda sa बहुत अरसे पहले मैंने कोई डस्क के लिए भी इंटरव्यू किया था पाक गेमर का बट वो मेरा ख्याल है इट वाज मोर लाइक अ रिटन इंटरव्यू जो क्वेश्चंस आते थे फिर आप जवाब देते थे प्रोबेबली ऐसा शायद होगा लॉन्ग टाइम अगो अब मुझे याद कुछ आ हाउ ओल्ड इज इट हाउ ओल्ड इज द फोरम द फोरम सो द फोरम इज वो स्टार्ट हुआ 2006 में लेकिन एक दफा 2006 बल्कि 2005 में लेकिन फिर एक दफा फ्लडिंग हुई थी तो उसकी वजह से सारा डेटा लॉस हो गया था मुझे याद है 2007-8 में कुछ एक मेरा इंटरव्यू 10 के हवाले से मैंने कुछ जवाब दिया था किसी चीज का मुझे कुछ याद ऐसा हो सकता है यकीनन बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि हमारे यहाँ काफी ज्यादा जो लड़के हैं वो इसी तरीके के वो गेमर्स तो हैं लेकिन वो गेमर्स ऑन द साइड हैं चलो तो उनको उनको कहें जॉइन द फेसबुक पेज एंड गिव अस फीडबैक यू नो दैट्स द थिंग द इट्स द फीडबैक मोर देन एनीथिंग एल्स दैट काइंड ऑफ Mm-hmm. Let us know okay, if there's someone out there. You know, if someone keeps asking for tabs, then we might just make the tabs or
make a lesson plan or something. When we see that the demand is out there, and then you know, if the more they say ki yaar video banaye to, we'll be like, acha yaar, log are asking. You know, it gives us the incentive and the impetus to do it. So true. I completely understand that, or main khud ye push kar raha hu. Tell your guys on the forum to let their if they do want more stuff, let us know. Drives us. That gives us, you know, the inspiration to do more. Definitely. Thank you so much. Okay. Aap logon ne mujhe time diya. No problem. Thank you for your. Achha, yeah, I really like the questions. Ah, bade mazay ke questions the yaar. Different the. Thank you. Chale, Vaji, thank you so much. Have a good day. Thank you. Take care, man. Great. See you. Thank you too. Yes. Thank you. Bye.